चंद्रयान 2 इतिहास रचने को भारत तैयार, काउंटडाउन शुरू, कल चांद की ओर उड़ान भरेगा बाहुबली, चंद्रयान मिशन पर हर भारतीय को गर्व। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आंध्र प्रदेश दौरा, आंध्र प्रदेश के तिरुमला मंदिर में की पूजा अर्चना, श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का किया दौरा। गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ आपदा प्रबंधन पर की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। भारत और पाकिस्तान के बीच बाघा बॉर्डर में करतारपुर गलियारे और इससे जुड़े तकनीकी मुद्दों पर हुई चर्चा, गलियारे को 31 अक्टूबर तक पूरी करने की है योजना। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव संचालन समिति की केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की अध्यक्षता, 20 से 28 नवंबर तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का होगा आयोजन। नेपाल में हुई लगातार बारिश के चलते आई बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या हुई लगभग 50, देश के विभिन्न हिस्सों में अभी भी 24 लोग लापता, कई घायल, राहत व बचाव कार्य जारी। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा, सिद्धू का मंत्रालय बदले जाने से मुख्यमंत्री से थे नाराज। मिस्र ने कायरो स्थित प्राचीन बेंट पिरामिड को सैलानियों के लिए खोलने का लिया फैसला, 2600 ईसा पूर्व पुराना है ये पिरामिड। बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 ने बॉक्स ऑफिस में मचाया धमाल, पहले दिन 12 करोड़ रुपए की हुई कमाई। इंस्टाग्राम पर सेलिब्रिटीज की प्रोफाइल फेक, 1.6 करोड़ भारतीय प्रभावशाली लोगों का अकाउंट पाया गया फर्जी। अब खबरें खेल जगत से। क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने। सिमोना हालेप ने जीता विंबलडन महिला एकल का खिताब, फाइनल में सेरेना विलियम्स को सीधे सेटों में हराया।